welcome to you all on my YouTube channel. This is Khushbu and I hope you all are doing good. So in this video, I'm going to talk about Delhi University's College Society and how to join College Societies and what are the benefits of joining College Society. So इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ College Society से related हर एक चीज़. और आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये कॉलेज सोसाइटीज़ क्या है. अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने जा रहे हो तो वहाँ पे आप इस वर्ड से रूबरू होंगे, कॉलेज सोसाइटी वर्ड से, जो कि आपने पहले कभी नहीं सुना है. आपने अपनी स्कूल लाइफ में ये वर्ड नहीं सुना हो. सो मैं बताने वाली हूँ आखिर ये कॉलेज सोसाइटी होता क्या है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो कॉलेज सोसाइटी होता है, ये बेसिकली एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसे ज्वाइन करने के बाद आपको खुद को इन्हांस करने का मौका मिलता है, आपको खुद के अंदर के टैलेंट को एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है, आपको खुद के सेल्फ डेवलपमेंट का एक चांस देता है कॉलेज सोसाइटी. सपोज आपके पास डांसिंग, सिंगिंग या फिर फैशन, आर्ट, डिबेट, इन सारे चीज़ों से रिलेटेड अगर आपके पास टैलेंट हो तो आप कॉलेज सोसाइटी बहुत ही ईजिली ज्वाइन कर सकते हो. तो कॉलेज सोसाइटी ज्वाइन करने का जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है ऑडिशन देना. लाइक यू हैव टू गिव ऑडिशन फॉर ज्वाइनिंग कॉलेज सोसाइटी. कॉलेज में एडमिशन लेने के कुछ मंथ्स के बाद योर सीनियर विल अप्रोच टू यू एंड विल आस्क यू फॉर ज्वाइनिंग द कॉलेज सोसाइटी. और वो आपको आकर बताएंगे कि आखिर ये कॉलेज सोसाइटी क्या होता है और इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं और आप इसे कैसे ज्वाइन कर सकते हो. तो कॉलेज सोसाइटी ज्वाइन करने के कुछ मंथ्स के बाद आपकी कॉलेज के नोटिस बोर्ड पर ये नोटिस आएगा कि फॉलोइंग कॉलेज सोसाइटी में ऑडिशन लिया जा रहा है. सपोज डांसिंग कॉलेज सोसाइटी, लाइक कॉलेज के डांस सोसाइटी में ऑडिशंस हो रहा है और जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं, जो पार्टिसिपेट करना चाहते हो, जो कि मेंबर्स बनना चाहते हो कॉलेज सोसाइटी के, वो आकर ऑडिशन दे सकते हो ऑन द फॉलोइंग डेट. सो सपोज मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि आपको कॉलेज का डांसिंग सोसाइटी ज्वाइन करना हो तो इसके लिए वो लोग आपका ऑडिशन देंगे. सपोज डांसिंग का अगर कॉलेज सोसाइटी में अगर आपको ज्वाइन करना हो तो वो लोग आपका ऑडिशन लेंगे. सपोज़ वो ऑडिशन तीन पार्ट्स में डिवाइड होगा, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड एंड द थर्ड राउंड. फर्स्ट राउंड में ये होगा कि आपको खुद का एक सॉन्ग लाना होगा और आपको परफॉर्म करना होगा. आपको एक मिनट का चांस मिलेगा और उसमें वो लोग देखेंगे कि आप कैसा, आपका मूव क्या है, आपका एक्सप्रेशन क्या है. उस बेसिस पे आपको दूसरे राउंड में भेजा जाएगा. फिर वहाँ पे वो लोग आपको अपना थीम देंगे या फिर कुछ स्टेप्स करके दिखाएंगे और आपको उस चीज़ पे लाइक परफॉर्म करना होगा. फिर वो देखेंगे कि आप कितने कैची हो, आप कितना जल्दी उस चीज़ को कवर लाइक कैच कर रहे हो, कैसे परफॉर्म कर रहे हो. फिर उस बेसिस पे आपको फर्दर भेजा जाएगा फाइनल राउंड में. फिर वहाँ आपका सेलेक्शन होगा. तो ये इतना इजी भी नहीं है कॉलेज के सोसाइटी ज्वाइन करना, बट ये बहुत टफ भी नहीं है. और रही बात कि कॉलेज सोसाइटी का ऑडिशंस कौन लेता है, तो ये जो होते हैं आपके सीनियर्स ही लेते हैं, कोई टीचर्स नहीं लेता है. तो ये इतनी डरने वाली बात नहीं है कि टीचर्स ऑडिशंस दे रहा है, पहली बार आप उनके पास जा रहे हो तो आप काफ़ी डर रहे हो. तो ऐसा कुछ नहीं होता है, ये आपके कॉलेज के सीनियर्स ही लेते हैं जो कि लाइक आपके साथ बहुत ही फ्रैंक बिहेव करेंगे, बहुत अच्छे से बिहेव करेंगे. तो जस्ट फील फ्री टू गिव ऑडिशंस. और अगर मैं बात करूँ कि आपको एंकरिंग का आपके अंदर कीड़ा है और आपको एंकरिंग का ऑडिशन देना हो, तो मैं बताने वाली हूँ कि वो एंकरिंग का ऑडिशन कैसे लेते हैं. लाइक आपको एंकरिंग का डेट आया कि हाँ इस फॉलोइंग डेट पे आपको ऑडिशन देना है, तो आपको वहाँ जाना होगा और आपको बोलेंगे, या तो आपको कुछ फॉर्मल एंकरिंग बोलेंगे, फॉर्मल एंकरिंग करके दिखाओ, इनफॉर्मल एंकरिंग करके दिखाओ, या फिर वो आपको एक थीम देंगे कि बोलेंगे कि अच्छा मान लो कि कोई फॉलोइंग सिंगर आ रहा है और आपको बताना हो कि वो स्टेज कि वो आ रहे हैं तो आप कैसे परफॉर्म करेंगे. तो आपको वहाँ पे बोल के दिखाना पड़ता है या फिर आपको एक ग्रुप में बांट दिया जाता है और फिर बोलते हैं कि चलो अब परफॉर्म करके दिखाओ कि आप एक ग्रुप में हो और आप सबको ये सारी चीज़ करके दिखाना हो. तो आपको ये सारी चीज़ें करके दिखाना पड़ता है फॉर क्वालिफाइंग योर ऑडिशंस राउंड. और फिर उसके बाद आपको कॉल आता है या फिर SMS आता है जिससे आपको ये मालूम होता है कि आपका सिलेक्शन हो गया है कॉलेज सोसाइटी का. और अब मैं बताने वाली कि कॉलेज सोसाइटी ज्वाइन करने का बेनिफिट्स क्या क्या होता है. तो पहला बेनिफिट तो यही है कि आपको खुद को इन्हांस करने का मौका मिलता है, खुद को सेल्फ डेवलप करने का एक मौका मिलता है. और दूसरा चीज़ ये है कि आप इससे अपने CV को बिल्डअप कर सकते हो. लाइक अगर आप इवेंट मैनेजिंग में हो या फिर किसी भी सोसाइटीज़ में हो तो आप अपने CV में ये मेंशन कर सकते हो दैट यू आर द मेंबर्स ऑफ द फॉलोइंग सोसाइटी और आपने ये करा है, या फिर आपने कभी भी किसी कॉलेज सोसाइटी में के मेंबर हो और आपने कहीं पे जाके परफॉर्म करा हो और आपने कोई भी रैंक सिक्योर करा हो, तो ये सारी चीज़ें आप अपने CV में मेंशन कर सकते हो, जो कि आपके एक अच्छा इम्पैक्ट डालता है
सामने वाले पे जो कि आपका सीवी पढ़ रहा होता है। तो एक बेनिफिट जो है कॉलेज सोसाइटी का ये भी होता है। और जो थर्ड बेनिफिट मैं आपको बताने वाली हूँ वो ये है कि सपोज़ कि आप केवल अपने स्टडी में अच्छे हो तो कॉलेज के टीचर्स क्या होता है ना, हर सेमेस्टर में आपको अलग अलग टीचर्स मिलेंगे तो सारे टीचर्स आपको जान नहीं पाते हैं। तो या फिर जो बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं टीचर उन्हें ही जानते हैं। तो कॉलेज सोसाइटी ज्वाइन करने का एक बेनिफिट ये भी होता है कि आप हमेशा स्टेज पर आते रहते हो, सारे टीचर्स आपको देखते हैं तो आप सारे टीचर्स आपको जानते हैं, सब आपको नोटिस करते हैं। एक बेनिफिट ये भी होता है कि जो आपका टीचर के साथ इंटरेक्शन जो होता है वो बहुत अच्छा होता है। तो कॉलेज सोसाइटी ज्वाइन करने का एक बेनिफिट आपका ये भी हुआ। और मैं बताने वाली हूँ कॉलेज सोसाइटी का जो बहुत अच्छा बेनिफिट है वो ये है कि आप कॉलेज सोसाइटी ज्वाइन करने के बाद आप अपना कॉलेज लाइफ बहुत अच्छे से जीते हो। लाइक पढ़ाई के साथ साथ आप इन सारी चीज़ों में रहते हो तो आप कॉलेज में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो। लाइक नॉर्मल स्टूडेंट्स जो कि पढ़ाई के लिए आते हैं वो टाइम पे कॉलेज आएंगे और टाइम से कॉलेज से चले जाएंगे। बट अगर आप कॉलेज सोसाइटी के मेंबर्स हो तो आपको हार्डवर्क बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, आपको टाइम से पहले कॉलेज आना पड़ता है, आपको कॉलेज सोसाइटी का मीटिंग अटेंड करना पड़ता है, सारा मीटिंग अटेंड करना पड़ता है। तो आपको नॉर्मल जो रेगुलर स्टूडेंट होते हैं उससे ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है आपको। तो लाइक इसमें फ़न भी बहुत होता है कि आप उन सारी चीज़ों को इंजॉय करते हो। तो कॉलेज सोसाइटी ज्वाइन करने का एक बेनिफिट ये भी होता है। सो आई थिंक मेरा